हलचल टीवी न्यूज। 30 साल पुराने आईएसएस के बेटे बलदवंत सिंह मुलतवी की किडनैपिंग मामले च मोहाली के मटोर थाने च पंजाब के सबका डीजीपी समेत सिंह सैनी समेत चंडीगढ़ पुलिस के मौजूदा 8 पुलिस मुलाजमान विरुद्ध केस दर्ज किया गया सी, जिस तो बाद गिरफ्तारी तो बचने लिए सबका डीजीपी सैनी वालों शुक्रवार को मोहाली कोर्ट च जमानत अर्जी दर्ज की गई सी, पर कोर्ट वालों मामले तुरंत फैसला ना सुनाते हुए फैसले 9 मई तक तो सुरक्षित रख दिया गया। नाल ही कोर्ट वालों मोहाली नोटिस जारी कर दिया गया। पिछले 44-45 साल तो वकालत का पेशा कर रहा हाँ। इस 45 साल के दौरान विच मैं हजारा ही केसों विच पेश होया हाँ। मेरी वकालत नू, मेरी मेहनत नू, मेरी लगन नू देखते हुए मैनू सिख गुरद्वारा जुडिशियल कमीशन का माण मिलिया और मैनू उसका चेयरमैन लगाया गया, जिसकी सेवा भी मैं निरस्वार्थ हो के अज तक करता आ रहा हाँ। सिख गुरद्वारा जुडिशियल कमीशन विचों मैं कोई तनखा, कोई पत्ते, कोई पेट्रोल या होर कोई सहूलियत नहीं लै रहा अते एक नमाणा सिख होने के नाते मैं उत्थे सेवा निभा रहा हाँ। हुण एक केस मोहाली अदालत विच मेरे पेश होने ते बहुत सारे आदमियों ने सोशल मीडिया ते उसका इतराज किया है। मैं वो केस सिर्फ प्रोफेसनल होने के नाते लिया सी, पर जदों मैं वेख्या कि बहुत सारे लोगों दीआं भावनावां नूं ठेस पहुँची है तो मैं ये फैसला लिया है कि मैं अपने आप नूं उस केस तो वक्त करदा हाँ अते मैं उस केस के कागज़ तक भी पार्टी नूं वापस कर दिते हन अते मैं कल तो उस केस विच पेश नहीं होवांगा। अंत विच जे मेरे उस केस विच पेश होण ते किसे इंसान नूं या किसे सिख नूं या किसे जथेबंदी नूं भावनावां नूं ठेस पहुँची है तो मैं उस चीज़ की माफ़ी मंगदा हाँ अते मैं वो केस विच कल तो अपीयर नहीं हो रहा अते मैं अपने आप नूं उस केस तो पक्के तौर ते वक कर लिया।